हॉट एंड सॉस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नई नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू हॉट एंड सॉस चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। हमारी आज की रेसिपी है मूंग दाल के मंगोड़े। हम इसे मूंग दाल के भजिए या पकौड़े भी कहते हैं, जो कि बहुत हेल्दी होते हैं। मूंग दाल हम सभी जानते हैं कि बहुत हेल्दी होते हैं, और ये भजिए जो हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी हैं। तो ये रेसिपी फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए हम ये मूंग दाल के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप मूंग की दाल ली थी। मैंने छिलके वाली मूंग की दाल ली थी और उसको अच्छे से 5-6 घंटे के लिए भिगो दिया, और भिगोने के बाद उसके छिलके धुल के निकाल दिए थे फ्रेंड्स, और उसमें से थोड़े से मेरे एक आध छिलके कहीं रह गए थे, जो कि आप दाल में देख सकते हैं कि वो दिख रहा है। और मैंने इस दाल को दरदरा पीसा है। दरदरा पीसना इस दाल को बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस दाल को दरदरा नहीं पीसेंगे तो हमारे पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने 5-6 घंटे दाल को भिगो के और दरदरा पीस लिया है। अब हम अपनी पीसी हुई दाल में बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मिला रही हूँ प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने, और इस तरह से थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके बाद कूटा हुआ अदरक, उसको भी मैंने दरदरा ही कूट लिया है, पेस्ट नहीं बनाया है। एक हरी मिर्च ली है, उसको मैंने बारीक काट लिया है, इसको भी ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे अजवाइन, 1/2 टीस्पून अजवाइन। हींग डालेंगे हम, 1 पिंच हींग। एक बड़ा चम्मच धनिया पत्ती डालेंगे कटा हुआ। इसके बाद हम यहाँ पर नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से दाल के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने इसको मिक्स करने के बाद हम अपने इस बैटर को आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे या फ्रीज में कहीं भी रख दें, और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ऐसा करने से हमारे जो पकौड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो आधे घंटे बाद हम इसको फ्राई करने के प्रोसेस पे चलते हैं। आधा घंटा हो गया है, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल को अच्छे से हम गरम कर लेंगे, और गरम करने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। उसके बाद से हम अपने पकौड़ों को तलेंगे। अब एक एक करके हम अपने पकौड़ों को इसमें डालेंगे। हम इसको चम्मच से या हाथ से, जिससे आपका दिल चाहे, इसमें एक एक पकौड़े तोड़ दीजिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर पकौड़े डाल दिए हैं, और अब हम इसको दोनों साइड से पलट पलट के अच्छा क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। हमारे पकौड़े यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन पे कलर भी अच्छा आ गया है, और ये अच्छे से अंदर से सिक चुके हैं। यहाँ पर हमने हल्दी का यूज़ नहीं किया है फ्रेंड्स, फिर भी इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। इसको हम निकाल लेते हैं, हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपने इसका साउंड सुना कि कितना क्रिस्पी है, ये इसीलिए क्रिस्पी हो पाया है क्योंकि हमने दाल को बहुत दरदरा पीसा था। अगर हम स्मूथ दाल पीसेंगे तो इतने अच्छे से ये नहीं बन पाएगा। और सेम प्रोसेस में हम अपने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। हमारा सेकंड बैच भी रेडी हो गया है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये भी देखिए इतना ही क्रंची बना है जितना हमारा फर्स्ट बैच बना था। और इस तरह से हमने सभी अपने मूंग दाल के पकौड़ों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे पकौड़े बनकर तैयार हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि बहुत सुंदर दिख रहे हैं, खाने में इतने ही टेस्टी हैं। बहुत टेस्टी मंगौड़े हमारे, यानी मूंग दाल के पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को फ्रेंड्स अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें, और बताएं मुझे कमेंट करके कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है।
और अगर ये मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।